हाँ जी, तो कल हमने निकाला था वर्नियर कैलिपर की सहायता से कोई भी स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल बॉडी है तो उसका डायमीटर। ठीक है, उनमें मैं हुंकारा भर लेंगे, थोड़ थोड़ा थोड़ा लो पड़ोसी कौन भरना। हाँ अब नहीं बात ये लाग बुकर में क्लास में एक टाबर तो है बोलना रहो। चलो आज आपा के काम करांगा, सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर है डायमीटर निकालने की बजाय ये जो को ऑब्जेक्ट आपा लेवांगा रेक्टेंगुलर शेप के अंदर है बिंगो निकालांगा मास। ठीक है, सॉरी मास के निकालांगा, मास आपन वेरो वागो आपा बिंगी डेंसिटी निकालांगा। और डेंसिटी को फार्मूलो के वे डेंसिटी रो होती है और मास बाय वॉल्यूम। अब ये कौन आ गया पबजी वाला, अरे हद है यार। ठीक है, मसूरी आई बीच में। चलो मास लिख लियो ऑब्जेक्ट को 1200 ग्राम। ठीक है, गिवन है थाने जो भी एक्सपेरिमेंट 1200 ग्राम। ठीक है, 1200 ठीक है। तान डेढ़ होगा को वेट है थाने, बस बिंगो डेंसिटी निकालनी है। और डेंसिटी खातर एक तो मास चाहिए और दूसरों के चाहिए वॉल्यूम चाहिए। ठीक वॉल्यूम है, मास तो अपन दे दियो, बात रही वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम खातर जो को ऑब्जेक्ट अपन दे रहे हैं, जो मान लो चार्जर है, तो इन चार्जर की अपन ने लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की है, तीनों चाहिएगी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट छोटा है तो अपन इंची टेप की बजाय वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल कर सका बिगे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालने खातर। ठीक है, ठीक। चलो भैया अब थे निकालोगा लंबाई ऊंचाई। पहला आपा लंबाई निकालांगा, अपनो ब्लॉक सेट करांगा और फिर चलांगा स्केल करने। ठीक है, और इन्हें आपा एडजस्ट करके इन्हें टाइटली के कर देंगा, बाउंड कर देंगा। ठीक है, नहीं हाँ जी। अब बताओ इनकी रीडिंग कितनी है। हाँ जी, इनकी लेंथ निकालो फटाफट, अगर मैं निकाल लूँ तारे। सेवन दो, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच तो ए है। ठीक है, 2.5 तो MSR है नी, मेन स्केल रीडिंग आपने कने आई बात है, जमा के अंदर है वर्नियर स्केल की रीडिंग, और देखो कितनी है। तीन, चार, पांच, छः, किशो मिला है। ओती नो अगलो कुन्ने जूम करके देख लो, कोई बात नहीं, स्क्रीन हो बिल्कुल नियर बाई होना चाहिए। ठीक। हाँ ले, अब देखो मोनिका आवे कितने रीड करने स्केल ने। तो अब देखूंगा मैं किताब में। अच्छा चलो मैं बताऊं,
ऊपर लो जो स्केल है नी वो तो मेन स्केल है और निचलो जो है वो क्या है वर्नियर स्केल हुआ है। बाकी थेटा राम मुनि ने नोट करो किशोरी के रीडिंग आवेगी लेंथ की ठीक है। सारू पहला अपन देखना है जो को वर्नियर स्केल है नी बिंगी जीरो ऊपर लगे किसे का सारा जान लाग रही है ठीक है। अब निचलो देख आ जीरो अठान लाग रही है नी तो 2.0 है वो 2.1 है वो 2.2 है 2.3 है 2.4 है और 2.5 है। 2.6 तो कौन पूछो नी यानी कि अपनी जी की वैल्यू अब 2.5 और 2.6 के बीच में है तो आप क्या लिख लेंगा मेन स्केल की रीडिंग है जी 2.5 ठीक है। अब अपना एज का नीचे वर्नियर स्केल में 10 से लाइना सी दिखे नी बंग माउ लाइन ऊपर लिखे सागे मिलानी है किसी बेस्ट मैच करे ठीक है बिल्कुल एग्जैक्ट एकदम ऊपर नीचे आ जावे दोनों तो अपन बाह उठानी है और थोड़ी सी सारे रह जावे तो बाह उठानी है ज्यादा दूर आ रही कौन उठानी ठीक है। तो अब देखो आप पहली तो कौन मैच करे दूर पड़ी है दूसरी भी दूर पड़ी है तीसरी भी दूर पड़ी है अब चौथी देखोगे थोड़ी सारा पड़ी है ठीक है और बिंग बाद में आप पांचवी है और आके है छठी आज छठी देखो एकदम ऊपर आने लग रही नहीं तो आप के लिखांगा आ रीडिंग आपने ये है VSR की कितनी है छठी है ठीक है। अब प्रैक्टिकल में टेबल दे रही है VSR की तो है छह हो गयो। अब आप के काम करांगा वर्नियर स्केल की रीडिंग की है बिन गुणा क्यों करांगा लिस्ट काउंट आई बात है और लिस्ट काउंट कितो है अपनो जीरो पॉइंट जीरो वन तो छह गुना जीरो पॉइंट जीरो वन आ जाओगे फाइनल रीडिंग क्या होगी अपनी मेन स्केल रीडिंग जमा गए अंदर है लिस्ट काउंट गुणा करें बाद में वर्नियर स्केल की रीडिंग यानी कि आपने का नाचे को 2.5 जमा 0.06 आई बात है के सर जी स्नेहन तेरी आवाज को नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं छोरी को रितिका किने गई रितिका यस समझ में आवे है कि सर सिक्स को की है सर मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या करना आगे मल्टीप्लाई करने के बाद अपनी जो मेन स्केल की रीडिंग आई है ठीक है उसके अंदर ऐड करना है उसको ओके निकाल ली के लेंथ लिख ली होनी 2.5 है देखा क्या अपनी सही आई है कि ठीक है। चलो अब आप निकालेंगे चौड़ाई यानी कि आप ब्रेथ चलो अब इन लियाओ बिड़ाओ बिड़ा दियो। अब चलो स्केल कने चलो जी
लिखो निकालो फटाफट आप ही निकालो पे. कितिया रितिका, रितिका बताओ कि अब क्या. कितनी आई? रितिका किन बाज की? 8.7. 8.7 ठीक कर दियो. लंबाई तो मेरी सारी कितनी आ गई? 1.77. ले देख गया मैं तेरी 1.77. क्या बात, वेरी गुड. अब रितिका समझा राम 1.77 की आई. आवाज ही को नहीं आएगी किन्नी बार. रितिका हाँ आवाज आ आवे. आज की वर्नियर स्केल की पहली जी की लाइन है 0 आ 1.7 पर मिलन लाग दी है मेन स्केल की रीडिंग. जब 1.7 मेन स्केल की रीडिंग आ जाएगी वर्नियर स्केल की जी की सारों मैच करने लाग रही है बाय सातवीं लाइन. ठीक है. और वर्नियर स्केल नो लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई करांगा जब 7 मल्टीप्लाई 0.01 करांगा जब 0.07 आओगो फिर मेन रीडिंग है बिन वर्नियर स्केल की रीडिंग में प्लस कर देंगा लिस्ट काउंट सागा मल्टीप्लाई करी जब 1.7 प्लस 0.07 इज इक्वल टू 1.77. ठीक है समझ में आई? हाँ आगे मेन स्केल सारा पहला मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा नहीं वो हम देंगे छोड़ दें. अब आप क्या कर देंगे थिकनेस के 1.77 आएगे. अब निकालो एच ये आ रखी एच और थिकनेस को तरीकों के हुए वर्नियर स्केल है बिल्कुल भी बॉडी का बिढ़ा देनी है. बिढ़ा दी कोई गैप नहीं रहना चाहिए. गैप रह जाए तो मतलब के भी अंदर है एरर आ जाएगा. इंगे महाबाड़ती थे बिढ़ा गए तो नेगेटिव एरर आ जाएगा और जब बीच में हवा रहेगी तो पॉजिटिव एरर आ जाएगा. ठीक है चलो अब क्या कौन बतावेगो कौन बताओ अब क्या मोनिका बतावेगी. मोनिका हो जा तैयार. Thank you.
एक्सेप्ट मिला मोनिका यहाँ कर सके तू बिने जूम नेड़ा दूर हो जाएगा वो स्क्रीन पर हाँ जो सही ना दिखे तो फोन का माना पड़ी जमी फोड़ देगी सात पॉइंट जीरो पांच सात पॉइंट है सात किन्वाई हो तो जो मेंस मेंस के लगा सात पर आया है हाँ तो सात पर तो इन्नू देख वो वन तो अठाई पूरा हुए हुए यानी कि वो 0.7 कुछ हुए वो जानो देख 0.7 कुछ हुआ को नहीं जीरो पॉइंट हाँ तो इन्ने तो जीरो ही है आ देखे अपने स्केल है और देख इन्ने तो जीरो है जीरो वन के बीच में अपन वो टकराने लग रही है 0.75 0.75 के 0.75 गलत गड़बड़ होगी 0.74 के सजी जी हाँ बिल्कुल सही है अब चाल के देखा किसी लाइन चक्की मोनिका आ लाइन बिठाई के पहला कहीं ने एक मान्य हो हाँ एक मान्य हो इन्हें एक ना मानी कर आ जीरो है ठीक है आ हमेशा ही जीरो रहेगी इंगो काम तो अठन अपन को है बाकी काम वो है अब देख ले आई मैच कर नागरी है तो आ चौथी लाइन अपनी तो सात पॉइंट कितो आ गयो चार आ गयो चलो भाई कितो आयो 0.74 सेंटीमीटर आ गयो के चलो अब के निकालांगा वॉल्यूम वी निकालांगा और वॉल्यूम निकालने का तरीको क्या है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट करो करो फटाफट गुणा कॉपी में करनी है फोन का मैं कैलकुलेटर ओपन करनी शाना बहुत होते सर लेंथ क्या थी अलग है 2.56 है हाँ जी अपने पास 7 मिनट और बचे हैं तावड़ा करो रे बहुत लेट आउते बाहर थिया रे पापो घरे कौन नहीं है हाँ ठीक है दिख गई तेरी 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 जो तीन तीन का होगा कि मुझे 3, 4 मैं तो कोई गिनती का हूँ ला 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 मोनिका तो काफी अब ले मोनिका इतनी देर के कर रही है चलो चलो फटाफट करो आज के कर रहे सर जी अरे कौन पढ़ दिया हाँ
बाइली मैं की कौन करियो मैं काल पढ़ रही हूं देख थे जोड़ घटा करो तेरा वर्नियर आवे ही चलानो ठीक है तो मैं के काम करियो ओ एक छोटो सो आयरन को टुकड़ो ले लियो ठीक है पहला तो बिंगी लंबाई नाप ली ठीक है आई कितने मन बता के मैं लिख लियो हां फिर मेरी लिखाई बिंगी ब्रेथ और फिर निकाली बिंगी थिकनेस है तीनों निकाल ली अब मैं बिंगो वॉल्यूम निकालना लाग रहा तीनों तो लिख लंबाई आई है 2.56 सेंटीमीटर 2.56 सेंटीमीटर हाँ और ब्रेड आई है बिंगी 1.77 सेंटीमीटर अच्छा और हाइट आई है 0.74 यानी कि थिकनेस से क्या ये मैं मेरी गुणा बताऊंगी सर जी हाँ जी आन दे 0.74 हाँ हाँ बोल कुछ को बोल 0.995448 शांति शांति गुणा 1.77 गुणा 0.74 कितो आ गयो कितना है उत्तर बता तो दियो खुशबू को गलत आए वह मेरी तो बहुत आई है थे तो लो तो ही कौन ही मेरे सर आंसर बताना 3.353 सही है मोनिका वेरी गुड मोनिका वो सही है 3.35 3.35 अब क्या निकालना तो उत्तर तो यही कट गया रुको मेरो आंसर तो सुनो आन दे 3 पॉइंट है 7630880 बहुत लंबो लगी है थोड़ा छोटा तो दोबारा सही तरह गुणा करो 256 की 177 का सागे और फिर 74 का सागे गुणा करके लास्ट का वहाँ 6 दशमलव लगा देनी है ठीक है ऑटोमेटिक गुणा गलत हो ये थरी मोनिका गुणा सही है बिल्कुल चलो वॉल्यूम आ गया 3.353 क्यूबिक सेंटीमीटर है ना ठीक है आज इतना ही बस अब निकालो बिंग डेंसिटी जो कि आप निकालनी है रो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम मास ही तो 1200 ग्राम हो गया कितना है 1200 ग्राम में चना के हाँ बिल्कुल ग्राम में रखना है वॉल्यूम 3.3 मास और स्नेहा आंसर लगे रे जाके बिन सिखा के या जाके ठीक है सामने और मैं बिन प्रैक्टिकल तो दे यही सबेरो आटो मैं उठ जाऊं अरे हां टाबरो 2 मिनट रही है थकन टोटल दो बहुत गुगर पड़ी है सब क्या पड़ी है ऊपर टाइमर चलना है मेरे कने 2 मिनट बाद में क्लास एंड हो जाएगी फिर जी तेरी रिकॉर्ड करोगे क्लास हां बिल्कुल रिकॉर्ड होने लग रही है 5 मिनट पर सेंसर स्टॉप मार सी जाओ हां हां अच्छा 2 मिनट 200 इन बाग करे तो बाब मोबाइल नो करना रही है बाबड़ी ओए
अच्छा पहला यहां बताओ इंगो लिंक वीडियो को लिंक तो कौन देना चाहिए रिकॉर्ड करी है कच्चे किया को थाने क्या मी पूरी सर्जी सारी रिकॉर्ड करी है तो भेज दे यो फिर मैं शुरू कौन देखी हां कंप्लीट है बिग मत थारी जकीबा है नहीं वॉइस को नहीं आवे मतलब वीडियो को नहीं आवे सिर्फ आज की शेयर करिए नहीं बिंगी वीडियो आवे स्क्रीन से हां काला री मिलती के कौन है काला फोन खराब हो गया काला फोन खराब हो गया के वैल्यू बता दे वैल्यू फटाफट आधी मिनट रही है मैं तो बात सुनने लगी मैं तो करी कुन नहीं दोबारा रीलोड करवान तो मीटिंग दोबारा स्टार्ट हो जाएगी कोई बात को नहीं हाँ आई दोबारा स्टार्ट हो जाएगी थोड़ा डाउ अपने हाँ मैं तो उठाई क्यों की नहीं जाऊं आते उत्तर काट के देगा मैंने अब लीव हो जाए नहीं एंड हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर ली बात बात सर जी तो फिजिक्स फिजिक्स ही पढ़ाओगे बाकी के सब्जेक्ट को नहीं नहीं मेरा मूड है तो मैं केमिस्ट्री भी पढ़ा सकूं अरबन एक मैडम छुट्टी आई